जुलाई। मैत्रेय बुद्धा, द फ्यूचर बुद्धा, जो यहाँ पे उनकी मूर्ति है दिस्कित में, वो 106 फीट हाइट की है। सर, हम लोग भी बात कर रहे थे, आपकी शक्ल रणधीर कपूर जी से मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी डिशेज हैं जिसका हम लोग जायका लेने वाले हैं। तो ये है सर, मरजन बोलते हैं सर इसको हम शपशप बोलते हैं, और ये शलगम और मीट है सर, और ये दस्तुक है। ये जो प्रेयर वीज आपको हर जगह दिखेगी लद्दाख में, उसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर में करोड़ों मंत्र लिखे हुए हैं। तो आप एक बार रोटेट करते हैं तो वो मंत्र रिसाइट हो जाते हैं। तो ओम मणि पद्मे हम, और भी जो मंत्र हैं वो सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। जैसे एक जो लामा है तो उनका डेली रूटीन क्या रहता है, कितने बजे वो उठते हैं, उसके बाद फिर वो प्रेयर्स के लिए जाते हैं जी, और पूरा दिन क्या क्या करते हैं? जैसे कि सुबह तो हो तो जल्दी उठा है सभी लामा लोगों ने, जैसे सुबह जल्दी उठे, जैसे कि साढ़े पाँच बजे समय 5 बजे उठ की पूजा, अपना घर में पूजा वूजा करके फिर इसके बाद हमारे 7 बजे यहाँ पे पूजा में सभी आता है। अभी आजकल तक क्योंकि ठीक से मोनेस्ट्री में थोड़ा पूजा चल रहा है, वहाँ पे सभी किया, यहाँ पे इतना तो ज़्यादा है भी नहीं, 5 ही ज़्यादा जी जी। इसके बाद हमारा जैसे कि सुबह पूजा हो, इसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट हो, इसके बाद ब्रेकफास्ट होगा, मेरे पास ज़्यादा सदू खाता है हमारा लोकल सदू होता है ना, वो खाता है ज़्यादा जी। इसके बाद हमारा थोड़ा ड्रेस व्रेस करो, इसके बाद 10-12 बजे हमारा खाना होता है, 12 बजे हमारा खाना होता है। जैसे वहाँ पे होगा कभी चौमेन हो, कभी चावल हो, चावल सब्जी दाल ऐसा ये वो होता है। इसके बाद थोड़ा और ड्रेस करो, इसके बाद शाम के लिए 6 बजे यहाँ पर पूजा होता है, शाम के लिए 6 बजे की बात, जैसे खाना की बात 5 बजे कभी 6 बजे कहीं यहाँ पे डिनर देता है। इसके बाद हमारा जी, इसके बाद क्या होता है, थोड़ा ड्रेस करो, इसके बाद पूजा होता है उधर, जैसे कि मैं हूँ, सुबह होता है, एक शाम को होता है जी। जैसे इसके बाद क्या होता है, जैसे कि थोड़ा ड्रेस व्रेस करो, इसके बाद अपना बस थोड़ा 7-8 बजे सोता है मैं जी, 8 बजे सोता है सर, फिर 3:30 बजे मैं उठाता हूँ, और ऐसा डेली ऐसा करता हूँ जी जी। आपको कितना साल हो गया? मैं जैसे कि 5 साल यहाँ लामा बना है सर। तो आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप लामा बन गए? मैं तो जैसे कि 5 साल था खुद लामा बनने का, खुद पहले शौक था जी। क्योंकि मेरा मन में था कि लामा कैसे होगा, मेरा छोटा बच्चे टाइम में मैं घर में तो 5 साल में था, मैं लामा बनने का शौक था घर में, रो कि मैं आज से लामा बनने के लिए जाना है, बल्कि बहुत रोया था घर में। इसके बाद माँ बाप ने अब लामा में जाना, फिर मेरा दिल खुश हो गया, लामा बनने के लिए इतना भी अच्छा नहीं है, बहुत मुश्किल है, एक तरफ से पूजा भी होना चाहिए, हाँ जी बहुत मुश्किल है, तो ये पूजा वजह सभी अपना सीखना चाहिए, सर वही अपना मंत्र वंतर सभी वाला, सभी की क्या क्या होते हैं सभी ये वाला सीखना चाहिए सर जी। तो मेन जो काम होता है लामा का वो होता है कि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना जी सर, जी सर। मैसेज, बुद्धिज्म का मैसेज को आगे लोगों तक पहुंचाना जी 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 जी। तो आप लोग आसपास के गांव में जाते हैं और लोगों के घर में जाके पूजा भी करते जी, हैं जी जी सर, जी सर जी जी जी। मैत्रेय बुद्धा, द फ्यूचर बुद्धा,
जो यहाँ पे उनकी मूर्ति है दिस्कित में, वो 106 फीट हाइट की है और यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नुब्रा रीजन का नज़ारा देखने को मिलता है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए तो थोड़ा सा सेंसिबल ड्रेसिंग करें। आप किसी रिलीजियस जगह पे जा रहे हैं तो उस धर्म का सम्मान करें और सही से ड्रेसिंग करके आए। शेफ, इसको थप बोलते हैं जी सर, जो आपका ट्रेडिशनल स्टोव होता है जहाँ पे खाना पकाया जाता है लद्दाख में। तो अभी आप क्या पका रहे हैं? अभी हम जैसे मॉर्निंग में हम जो खाते हैं, हम खम्बीर के अलावा, खम्बीर क्योंकि आजकल खम्बीर में ज़्यादा ईस्ट डालते थे, उसमें बहुत सारे लोग को जो गैस्ट्रिक होना, कुछ प्रॉब्लम होना जो, तो उसकी वजह से हमारा जो चक्की का आटा होता है, लोकल चक्की का आटा, उसका एक रोटी बनता है, हम उसको शपशप बोलते हैं। मतलब जो ब्रेकफास्ट में बहुत प्रेफर करते हैं सर, वहीं बनाएंगे सर हम। और किसी के साथ खाते हैं इसको? इसको मोस्टली सब्जी के साथ खाते हैं, थोड़ा सा ये शलगम और मीट के साथ, मोस्टली वो इसके साथ ही खाते हैं। तो हमने अभी बनाया है शलगम और उसका सब्जी बनाया है। हाथ पे इसको आप फ्लैट कर लेते हैं पूरा। जी जी, शप 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 बोलते हैं सर। सिर्फ गेहूँ का आटा है? सिर्फ गेहूँ का आटा है। गेहूँ का आपको दिखाई देगा इसमें, जो गेहूँ का वो जो छिलके बोलते हैं, अच्छा हाँ, वो भी थोड़ा सा रहते हैं सर इसमें। नेचुरल जो स्प्रिंग वाटर की आसपास में पाया जाता है, उसको हम हाथ धोने में यूज़ करते हैं, जैसे सब्ज़ी को थोड़ा जल्दी पकाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आजकल तो बेकिंग में भी मतलब सोडा का ही काम करता है, वो नेचुरल सोडा है सर, हम उसको पूल बोलते हैं। मैंने देखा है, मैं फर्स्ट डे जब रुका था फ्यांग में, तो उन्होंने घर पे जब बटर टी बनाया जी, तो उसमें डाला था। जी जी जी, उसको जो चाय पत्ती का कलर निकलने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम लोग हुंडर में ऑर्गेनिक रिट्रीट के रेस्टोरेंट हेरिटेज किचन में, जहाँ पे आपको लोकल लद्दाखी क्यूजीन मिलता है, और हमारे साथ रेस्टोरेंट के ओनर सेंजिन जी हैं, साथ में शेफ जिगमेत हैं, जिनका इंस्टा हैंडल बहुत ही अच्छा है, लद्दाखी शेफ। और सर हम लोग अभी सर हम लोग अभी बात कर रहे थे, आपकी शक्ल रणधीर कपूर जी से मिलती है। आपको किसी ने बोला है? अच्छा, पहले लोगों ने बोला है बात? नहीं नहीं, आप पहले आती हो। और आपका बोलने का स्टाइल भी, लहजा भी वैसा ही है। तो यहाँ पे बहुत सारी डिशेज हैं जिसका हम लोग जायका लेने वाले हैं। तो ये है सर मर्जन बोलते हैं सर इसको हम, और ये रोटी इसको हम शपशप बोलते हैं सर, और ये खमीर रोटी है, और ये शलगम और मीट है सर, और ये डस्तुक है, और यहाँ पे हमारे पास गुरगुर चाय। गुरगुर चाय है सर। तो मतलब पूरे लद्दाख रीजन में इसको गुरगुर चाय ही बोलते हैं? तो ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स रखा हुआ है, ये क्या बनाने वाला है इससे? ये इससे आप अभी फेमर बनाने वाला है, ये फे बोलते हैं हम इसको, और ये बटर को हम मार बोलते हैं, बेसिकली ये फे मार होते हैं। तो उसमें मिठाई के लिए थोड़ा सा शक्कर और बटर टी डालेंगे, जिसमें आप बटर और शुगर को मेल्ट करेंगे, तो उसके साथ दूध डालेंगे, जो बार्ले फ्लावर है उसको डाल के आप गूंदेंगे। इसमें इतना काफ़ी मक्खन ना? हमारे हिसाब से तो बहुत कम है। कम है? मैं तो मैं ले लूँगा। हम लद्दाख में बटर, लद्दाख में बटर बहुत खाते हैं। इतना थोड़ा सा शक्कर भी डाल दीजिए, तब साथ में कितना ब्राउन शुगर के हिसाब से, हम तो बटर और शक्कर दबा के डालते हैं। अच्छा। फेमर में इसमें हम बटर टी डालेंगे, चार घंटे आप डालिए, मैं बता दूँगा। एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, और थोड़ा सा डाल दीजिए, इसको जब पर कवर कर लीजिए। जी ठीक है, ठीक है। जब से ये लद्दाख में बेकरी आया,
ये फेमर थोड़ा कम लोग अच्छा। लगा था बस दिस वाज आवर लिटरली केक फॉर चिल्ड्रन जैसे कुछ काम कर लो आई विल गिव यू फेमर जैसे मतलब आटे आटे गूंथते हैं आटे गूंथते हैं वैसे आटा गूंदना इतना अच्छा लगता है थेरेप्यूटिकल जिसके कहते हैं ना वैसा है हाँ मतलब जब आप खाने को पूरा टच करते हैं फील करते हैं तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है एक होता है सिर्फ खाना जब खाना खुद बना रहे हैं आप खुद खा रहे हैं जिम में भी जिसे वी स्टे टुगेदर वेंट अप मैं बैंगलोर में बैठता हूँ अच्छा तो जिम में मेरे पास आता है तो ही लव्स टू कुक अदरवाइज जनरली मॉर्निंग सो डू आई जिम में बहुत पैशनेट है जी 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 खाने को लेकर हाँ, मतलब मैं पूरे अपने ऑनेस्टली बताऊँ तो पूरे अभी लद्दाख के ट्रिप में सबसे कोई पैशनेट आदमी मुझे कोई मिला है अपने खाने को लेकर तो जिम में इवन मुझे भी पहले आई सो हिज इंस्टा हैंडल And then his handle name was Ladakhi Shape. Then I sent him a message that where do you work? He says in Goa. Then I said, what Ladakhi Shape is doing in Goa? There's hardly any Ladakhi Shape in Ladakh. Why don't you meet me? And then I asked him, where did you learn? What was your formal education? So you know, he was a monk at previous. Then I said, oh, very interesting, you know, monk. And then I said, why don't you join me and let's try to do a bit more authentic Ladakhi. And ever since, he's been just every month coming up with something new food, documenting it. And so, and his story starts with, he was a monk in Nepal. So Nepal, mein, during this earthquake, right, 2008, the monastery went out to help people in the earthquake thing. So there, he realized he enjoyed giving food to people. And so how much people enjoyed food. One day he decided to give up the rope and then the you know and the monk what you really they teach them is to give so that he's not given up is the essence of the monkhood to give so he's now giving fruits नहीं बहुत अच्छा है ऐसे ही आप humble रहिए modest रहिए passionate रहिए अपने अपने काम को लेके आप बहुत आगे जाएंगे You love food, you travel India abroad on the food, you study it, you experience it. So Jigmet doesn't have a formal education. What would you advise him, sir, on the food? Should he go a bit more fusions and things like this? More the other end, more traditional, more keeping it more pure. What is the global trend and what he should do, sir? I would suggest that I don't have any formal education in food. I have not studied any travel. लेकिन वही काम मैं कर रहा हूँ फूड और ट्रैवल का पैशन होना चाहिए और लर्निंग के लिए जितना आप ट्रैवल करते हैं जितनी नई जगहों पे खाते हैं उतना आप वहाँ के फूड कल्चर को समझते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा लोग ट्रेडिशनल फूड की ओर जाएंगे और उसका बहुत सारे उसके पीछे कारण है एक तो मतलब अपने कल्चर को प्रिजर्व तो करना ही है साथ साथ फूड का न्यूट्रिशन है हेल्थ है वो भी है लेकिन तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो ट्रेंड होगा विल गो वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स चाहे खाना पीना रहन सहन सब कुछ जो एक हेल्दी वे ऑफ लाइफ है वो वही है इन नेम ऑफ गोइंग बैक टू द रूट ट्रेडिशनल लोग सेम इंग्रेडिएंट को लेके देन वी स्टिल ट्राइंग टू कॉपी यू नो द वेस्टर्न डिशेस लाइक यू नो सो पैनकेक इन बट थ्रू अ दे से सम लोकल मटेरियल सो दैट्स वन root the other one is really keeping it just as it is pure right I am more of a purist ha ki matlab jaisa hai jaise banna chahiye waise bane aur wo thoda usko tweak kare kuch banaya to khane mein acha ek bar ke liye experience acha hai but hamesha bar bar khane ke liye main pasand karunga ki bar mujhe famous aise hi bana mile yahan pe bhi ek generation attitude shift ho raha hai sir jaise pehle aapki delhi wille mein bhi tha log hindi mein log baat karte hain to you will be ashamed right But the good thing is, in Delhi, हम जो नॉर्थ ईस्ट के लद्दाख जिनकी हमारी हिंदी मदर टंग नहीं है वी टेक प्राइड इन हिंदी स्पीकिंग बट आपके दिल्ली के लोग यू नो वी गो टू अ रेस्टोरेंट दे विल स्पीक टू अस इन इंग्लिश यू से व्हाट्स रॉन्ग मतलब भाषा का मतलब है कि बात दूसरे तक पहुँचाना या वार्तालाप करना कन्वर्सेशन करना तो उसमें मुझे लगता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो बात करने में उसमें करना प्राइड इन ट्रेडिशन सो आज से 10-15 साल पहले हम लद्दाखी लोगों को अपने ये ड्रेस पहनने में Even myself, बड़ा शर्म से लगता inferior से feel होता था Then thanks to new generation brand like Namza, they really glamorize it. Now we take pride in our music, our own dress. Then again,
Alchi Kitchen ka Nilza, mm-hmm. some people met Ladakhi food also something that we can proudly yes. present to tourists. Yes, मैं तो मतलब कह सकता हूँ कि आप लोग के collective effort से ही अब लद्दाखी food world map पे है. मतलब लोगों को पता चला कि यहाँ लद्दाखी कुजीन भी होता है, वरना जो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग थी क्या थी, हम लोग जो बाहर से यहाँ आए मोमो थुप्पा ये डिश समझते थे, जो हमने ऐसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो मजनू घाट इलाका है वहाँ पे जो खाया वही खाते आ रहे हैं, लाफिंग खा लिया ये खा लिया वो जो मिलता है पता अच्छा यही फूड है, बट उसके बियॉन्ड इतनी सारी डेलिकेसीज हैं और इतना बढ़िया खाना है, सिंपल इन्ग्रीडियंट से लेकर सिंपल स्टाइल ऑफ कुकिंग और टेस्टी फूड, ये लद्दाखी कुजीन है मेरे लिए. और फ्रेश फ्रेश फूड, फ्रेश एंड लाइक फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक फूड, ये बहुत अच्छा लगा मुझे. मतलब मन कर सब खाते रहे बस. इसको आप ट्रेडिशनली यू वुड मेक इट, फिर आप इसको थोड़ा फोल्ड करके एक बड़ा डो बनाते हैं सर, इस बड़ा सा डो बनाइए आप जेब में लेके चले जाते हैं पेपर में डाल के, दिस इज फॉर द रोड. हाँ मैं ये करूँगा, मेरे को हाँ खाते ऐसे लगता है. मतलब हलवा से कंपेयर नहीं कर सकते, हलवा थोड़ा सा ये थोड़ा हल्का सा ड्रायर है, और मतलब पेड़े से जो हम लोग पेड़ा खाते हैं उसका उसका टेक्सचर मिल रहा है, हल्का सा ग्रेनी टेक्सचर है, चीनी का हल्का क्रंच भी है, मक्खन का फ्लेवर भी है, हल्का सा नमकीन जो चाय डाला है उसका फ्लेवर है, सॉफ्ट है, बस खाते रहिए. चलिए अब नेक्स्ट डिश करते हैं. नेक्स्ट डिश में कुछ ट्राई दस्तुक चावल है सर, जिसको हम जैसे चावल उसको रात को भिगा के रखते हैं तो उसको सुबह बॉईल करते हैं, इसको मतलब सुबह बॉईल या तो हम तो घर में जो रात रात का बचा हुआ चावल होते हैं वो भी सुबह बॉईल करते हैं, उसमें बहुत टेस्ट मतलब अलग सा टेस्ट अच्छा टेस्ट आता है. बचा हुआ चावल होते उसमें पानी डाल के हम उबालते, उसके बाद जो चीज़ चीज़ डाल के बाद में उसको हम जो वाइल्ड स्कॉचे आते हैं स्कॉचे से थोड़ा तड़का मारते हैं उसमें, उसका अलग सा फ्लेवर आता है सर, थोड़ा सा ड्राई हल्दी सूखा वाला हल्दी जो. और ये मतलब ब्रेकफास्ट में खाया जाता है ये ऐसा? जी जी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर एक मील में खा सकते हैं हम लोग. दस्तूक इज वेरी बट इतना ट्रेडिशनल नहीं होगा सर, क्योंकि डस्ट ही राइस ही हमारे लद्दाख में आके कुछ मे बी 60-70 ईयर्स होगा, उससे पहले कमी होता होगा ऐसा. दस्त लद्दाखी नेम राइट, सो दे मस्ट बिन. बट जब से इंडियन आर्मी आया तो राइस भी आया, तो राइस आते आते ये थोड़ा लद्दाख की जो वीट बेस्ड फूड थे वो थोड़ा सा कम हुआ. सो नाउ एक वीट बेस्ड इश्क्यू छूतगी है ना अपना खाते हैं, और एक बार राइस और सब्जी दाल अब हमारे पार्ट बन गया लद्दाख का इवोल्यूशन में. तो मतलब फूड कल्चर चेंज हुआ है, मुझे लगता है मैंने देखा है बहुत जगह पर, मैं जहाँ भी लोकल से बात कर रहा हूँ तो बता रहे हैं कि चावल PDS जी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू भी यहाँ के खान पान का हिस्सा बन गया. नहीं हर जगह हुआ है, मतलब मैं तो उसको कहता हूँ होमोजेनाइजेशन ऑफ फूड कल्चर, ये हर जगह हुआ है. नॉर्थ ईस्ट में भी जब मैं नागालैंड में था तो वहाँ भी बता रहे थे कि चावल हमारा नहीं था लेकिन मैं चावल खाना शुरू कर दिया, अब चावल हम लोग वहाँ से मिलता है PDS से थ्रू हम लोग खाते हैं. तो उसमें अपना ट्विस्ट यही आ गया सर, हमने जैसे छुरपी डाली और थोड़ा सा स्कॉच का तड़का मार दिया जी. पुरानी कटलरी हमारे ये तीन मटेरियल दो में या एक तो तीन हो गया सर, एक वुड का, दूसरा सिल्वर का और तीसरा नॉर्मल आयरन का. और ये तीन साइज, एक छोटा वाला कोरे जिसको नॉर्मली बटर टी के लिए यूज़ किया जाता है, मीडियम जो बॉल की तरह सूप बॉल की तरह यूज़ किया जाता है, एंड थर्ड वन इज़ गुरमो द बिगेस्ट वन. एंड हम सारे लद्दाखी लोग ट्रेडिशनली इसको यहाँ पे खुमा इसको नमडाक बोलते हैं, नमडाक में ये चीज़ ज़रूर लेके होता है सर. तो कहीं पर आप जाओ या पहाड़ों में हो जहाँ पर भी हो, व्हेन सम रिपोर्टी यू जस्ट टेक इट आउट एंड देन स्टार्ट ड्रिंकिंग. अपना कप साथ में कप हमेशा नॉर्मली कप और स्पून भी होता है. यू वुड सी इन ट्रेडिशनल डिश यहाँ पे लोग कुछ चीज़ें एक की और एक नाइफ और एक स्पून हमेशा लेके चलते हैं. तो इसकी कमी था लद्दाख में, नेचुरली हमारे मटेरियल ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं था, तो दैट एवरीबडी ऑलवेज कैरी विद देम हैज बीन पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन. ड्रेस को क्या बोलते हैं? इसको गोंचा कहते हैं सर. सो कुछ ये अक्रॉस हिमालय थोड़ी सी वेरिएशन है, जैसे भूटान की थोड़े से शॉर्ट होता है, टिबेटन का लंबा होता है, बट देन समहाउ दे मेक दिस पार्ट बिट मच नीचे आके करते हैं हम लद्दाखी लोग थोड़ा नीचे करके. फिर यहाँ से बल्टिस्तान पाकिस्तान में यू आल्सो सी समथिंग स्लाइटली मोर डिफरेंट देन, सो हल्की वेरिएशन से बट ओवरऑल इज
same. So he used to be maybe in the cold region, so easily, you know, gives you a lot of warm, practical need to keep things here to carry. मैंने पहले देखा वाला खिचड़ी है जी जी ऐसा ही कलर खिचड़ी जैसा ही है थोड़ी सी सारनेस ज्यादा होगा नहीं जी 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 वाओ इसको ये डाइजेस्ट होने में भी बहुत मतलब जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तो खाने में भी आसान बनाने में भी आसान इसका प्रैक्टिकल यूज जो पूरा आपका जो खिचड़ी वाला सारा यूज है सब बीमार हो जाए पेट खराब हो जाए क्रीमी काफी क्रीमी है जी जी इसको उसका जो स्ट्राइस का पूरा स्टार्च हम निकालते हैं जिसको बॉईल कर कर करके उसका थिकनेस भी आ जाता है उसकी वजह से हम मतलब पर्सनली बहुत पसंद करते हैं हम जैसे घर में जो ब्रेकफास्ट में होते हैं या डिनर में करते हैं तो हल्का सा गार्लिक का फ्लेवर है जी जी उसको स्कोचे का स्कोचे डाला हुआ है ये लाइट फूड है जी हाँ टेस्टी भी कब तक आप लोग इस घर पर रहते थे सर हम वी आर फोर ब्रदर्स सो हम लोग इस घर में 2012 तक यहाँ रहा था सर सो बाय 2012 यहाँ पर बिल्कुल कंक्रीट का एफर्ट कंक्रीटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था हम सब लोगों ने अपना नया घर बनाया सीमेंट का तो हम भी उस प्रेशर में आ गए थे हमने भी सामने अपना एक सीमेंट का घर बनाया एंड वी मूव देयर इन 2012 देन 8 years वी रियलाइज द शॉर्ट कमिंग ऑफ कंक्रीट हाउसेज टू हॉट इन द समर टू कोल्ड इन द विंटर आई डोंट फील दैट गुड एंड देन वी हैड परहैप्स इन 2005 में लगभग गांव में 150 से ज़्यादा ऐसे ट्रेडिशनल घर थे सब गायब सा सब ने तोड़ा कि पुराना घर है नॉट गुड मट का है ना अच्छा सीमेंट का बनाओ तो सब ने तोड़ दिया सो हमारा ये भी तोड़ने वाला था देन वी सेड नहीं नहीं लेट्स रिपेयर एंड कीप इट गांव में अपना हेरिटेज के नाम पे कुछ दिखाने की कुछ है नहीं एंड नाउ दैट वी रिपेयर्ड इट वी रियली लव इट एंड नाउ परहैप्स यू वांट टू कम बैक एंड स्टे हियर ये कितना सुंदर है आप इस जगह को पूरा देखिए जी 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 यही मड बिल्डिंग है सर नॉर्मली हमें लगता है कि सीमेंट जो हमें जो लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली मे बी इट्स नॉट सो ट्रू जितने भी हमारे फोर्ट है आपने जो लद्दाख की मॉनेस्ट्रीज देखे हैं दे आर लाइक 600 इयर्स ओल्ड सम इवन 1000 दिस किड माइट बी 600 इयर्स द वन यू 14th सेंचुरी है सो ओल्ड इज मड इट्स स्टिल स्टैंडिंग अप देयर राइट सर यू वोंट फाइंड अ सीमेंट बिल्डिंग व्हिच इज स्टैंडिंग देयर फॉर 600 इयर्स और समथिंग राइट सर Even cement after 30-40 years is really just withers out and चीज़ें fall होने लगता है so mud का is you keep on repairing easy to repair and plaster it so it yeah, it's a really good feel sir नहीं mud वाला देखने में भी अच्छा लगता है और साथ में sustainable भी है goat meat है जी vegetable और meat शाह is meat सुनमा is vegetable और उसमें vegetable में traditionally जो एक तो turnip दूसरा मूली सर मूली इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा हम यूज करते थे सर हल्का सा सूख गया सर फ्रेश फ्रेश खाते हैं नॉर्मली जी इसमें क्रंची सर इसमें गाजर भी डाला हुआ आपने जी जी कल आप जैसे आपने बोला था गाजर बहुत पसंद है मुझे और ये पत्ता जो है हरा वाला ये शलगम का ही पत्ता है थोड़ा रजिस्थान की बजरे की रोटी के फ्लेवर है ना सर तो ये मोटा ही बनाते हैं जी जी खमीर से थोड़ा पतला नॉर्मल रोटी से थोड़ा मोटा अच्छा इसमें स्वीट मतलब रोटी फुल में स्वीट है जी जी गेहूँ का जो क्या बोलते हैं इसको हश जो होते हैं उसमें से हल्का सा स्वीटनेस जो होता है जैसे हम बाहर पास्ता वास्ता में जैसे वो लोग यूज करते हैं हश में जो बार्ले का हो या वीट का हो या उसी की तरह इसमें भी थोड़ा हश से स्वीटनेस आता है मतलब थोड़ा मतलब दरदरा भी है कोर्स है जी जी बहुत बढ़िया बना हुआ है मीट बिल्कुल माइल्डली स्पाइस्ड और टर्निप का भी अपना स्वीटनेस है ये रोटी हमारे रोटी चार टाइप की है सर एक तो तगी शमो थिन शमो इज थिन नॉर्मल आपकी चपाती की तरह बहुत पतला बनता है देन द सेकंड थिंग इज शप शप स्लाइटली थीका देन द थर्ड वुड बी खमीर
And then fourth, we have a very hardy, we wanted to make one for you but couldn't today. Like a tuk-tuk, it's a real this thing that you carry, especially when you travel. It's kind of sour, very hard, hard roti. It's soft inside, hard roti, which is in the coil, in the chulli, in the aak. ये तो दलिया की तरह लग रहा है डीजा बिल्कुल है ही है दलिया साहब दलिया ही वीट का है तो हमारे पास ट्रेडिशनली वही वीट एंड दूसरा ये आपका मिलेट जो आपको तुरतुक एरिया में जो मिलेंगे सब फिंगर मिलेट कैसे बनाते हैं इसको इसको जो इसका जो आटा होता है उसको पहले हम थोड़ा सा स्प्राउट बनाते हैं इसका जो स्प्राउट निकलता है फिर उसको सुखा के उसको जो वाटर मिल होते हैं हम रंटक बोलते हैं उसमें पिसाया जाता है उसमें इतना फाइन नहीं पीसते इसको थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस इसमें रखते हैं जैसे आपका खाने बट्स जो टेस्ट आता है जी तो इसको हम जैसे चुरपे हो गया चुरपे में पानी में डाल के फिर उसको उबाल के जो लोकल बटर होता है खाला होता है वो थोड़ा सा डाल के फिर उसको मिक्स करके पकाते हैं अच्छे से पका के फिर गरम गरम जो प्लेट में डाल के ऊपर से थोड़ा सा अभी तो जो खाकला मार डाल देते जैसे पहले में जिसके पास जो बटर कम हो वो जो सरसों का तेल भी डालते ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के खाते हैं नहीं ये तो इसमें तो ये तो काफ़ी बटरी क्रीमी बना हुआ है वाह लोकल यही मानना है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड तो अगर घर में कोई नया बेबी बोर्न होता है तो आप यू वुड टेक देम अ मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड एंड द न्यूट्रिशियस फूड इज़ दिस सो सब लोग यही लाते हैं तो जिनके बेबी हुआ वो एक दो महीने तक यही पीते रहता है जी ऐसा दिखाया तो जो भी चीज़ हमने खाई सब न्यूट्रिशियस है हाँ जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किया गया है चाहे वो यहाँ पे आप मीट खा रहे हैं प्रोटीन है साथ में आपका कार्बोहाइड्रेट्स है यहाँ पे भी आपका राइस बनाया हुआ है कार्ब्स है बट लेकिन उसको भी थोड़ा स्पाइस वाइस लगा के चुरपी डाल के तैयार किया हुआ है इसमें बार्ली का फ्लावर है और शुद्ध गेहूँ के आटे का रोटी है तो सब है तो न्यूट्रिशियस ही खाना जी 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 सर खुरा बना रहे हैं जी जी खुरा बना रहा है इसमें क्या क्या होता है सो इसको हम आटे को गूंथते थोड़ा सा इस आटे में शुगर सिरप डालते थोड़ा सा बटर डालते उसको गूंद के फिर रोल बना के फिर ऐसे शेप बनाते हैं मतलब इसमें अलग अलग शेप बनाते हैं मतलब ये हो बहुत कॉमन मतलब जो ट्रेडिशन वाला जो स्टाइल है सर ये बनाया कॉम्प्लेक्स पैटर्न लग रहा है जी पैटर्न तरह जो जैसे लड़की लोग का बाल बनते हैं वैसे उसी तरह का ही है सर कैसा लगता है आपको अब मतलब अच्छा लगता है अभी भी मतलब जो था वहाँ पे भी मतलब खुश के अभी भी कहीं ना कहीं वो उसका जो मंग था उसका कुछ मतलब जो आदत बोल सकते आप हैबिट बोल सकते वो तो अभी भी है जो अपना डेली रूटीन में जैसे हमारा मंग्स में जैसे किसी को गुस्सा इतना नहीं करना झगड़ा नहीं करना किसी से बेफालतू में मतलब जो बहस नहीं करना जैसे वो छोटे छोटे आदत जो होते हैं वो अभी भी मतलब मुझे लगता है कि अभी भी बहुत है वो आपके खाने में दर्शाता है ये तो मतलब लगभग सारा जो जितने भी गेस्ट आते हैं वो बोलते थे आपके खाने में कुछ मतलब कुछ शांति सा कुछ फील आता है बोलते हैं सर ये सच्चाई है मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि खाना खाने का जो स्वाद है वो खाना बनाने वाले का भाव बढ़ाता है जी जी किस भाव से खाना बनाया हुआ है अगर आप गुस्से में खाना बनाएंगे खाना अच्छा नहीं बनेगा स्वाद नहीं आएगा उसमें मतलब कोई भी मतलब कि एनर्जी नहीं रहेगी खाने में जी बट अगर शांत मन से प्यार से खाना बनाएंगे उसमें टेस्ट भी आएगा और आपके हेल्थ को भी अच्छा लगेगा जी जी ये हमारे मोनास्ट्री में भी वैसे ही सिखाया जाता है हमारे वहाँ पे तो फ्लेवर के लिए तो होते नहीं बहुत सिंपल सा खाना होते थे तो सब जिसका जिस दिन आपका ड्यूटी होगा उस दिन पहले से बताते कि आप अपना दिल लगा के प्यार से बनाना होता है इसको हम इतने सारे मॉम्स को खिलाना होता है तो उससे मतलब रिलेटेड कुछ ना कुछ है सर तो खुर्रा आपका मेनली न्यू ईयर में बनता है मेनली न्यू ईयर इन सम स्पेशल ओकेजन में ट्रेडिशनली खुर्रा वाज वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू करारा बना हुआ है जी क्रिस्पी
ऐसा कुछ आपके वहाँ होता है सर, समथिंग सिमिलर? हाँ, मीठा मट्ठी। मीठा मट्ठी वैसे उससे कंपेयर कर सकते हैं। अभी तो मार्केट में इतने सारे स्वीट प्रोडक्ट्स आए हैं, सो मे बी यू डोंट नाउ फील इट ग्रेट, बट व्हेन वी वर यंग दिस इज द स्वीटेस्ट थिंग यू कुड हैव इट। यू नो आवर ज्योग्राफिकली वी आर सो आइसोलेटेड, हमारा एक कहावत है कि विच ट्रांसलेट टू सेइंग, सो दो ही लोग हमें विजिट कर सकते हैं, इधर द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स और द वर्स्ट ऑफ द एनिमी। कौन अपना जान गवा के पहाड़ से पहाड़ से पहाड़ यहाँ आए, सो यू सो कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। So उस समय यही था, लाइक शुगर, यू नो, इफ यू 70 years back, if you wanted to sugar here, sugar was here. Again, we have a traditional name है, हम चीनी हम खरा कहते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होंगे ना सर, तो इसलिए लोसर में गिन चुन के थोड़ा इसमें चीनी डालते होंगे, तो दिस वॉज अ चाइल्डहुड मेमोरी, इसमें यही था खुरा, मतलब द स्वीट थिंग। तो मैं दिल्ली पढ़ने गया था, परहैप्स 89 होगा सर, तो बाहर गया सर, लड्डू मिठाइयाँ स्वीट इतने अबंडेंस, पागल हो गया था। तो ये सर ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके यहाँ, थैंक यू, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड विशेस टू योर टीम। जी सर, मतलब अपना जो हेरिटेज है, अपना जो कल्चर है, उसको जितना आदमी सजो के रखे उतना अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू टू यू सर, कि बाकी बहुत सारे लोग, सारा मीडिया अटेंशन मेन दिल्ली बिहार मेनलैंड इंडिया पे रहता है, तो आप उन ब्लॉगर में एक हो जो नॉर्थ ईस्ट मणिपुर सिक्किम लद्दाख, आई थिंक दैट्स सच ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया है ना। एंड देन ऑफन जैसे जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो लोग कहते आप कहाँ से हो, हम कहते थे लद्दाख से, कहते लद्दाख, अच्छा पासपोर्ट वीज़ा मिल जाता है। तो इसी तरह दिस वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ सारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, डीयू में हमारा यही एक्सपीरियंस होता था, तभी यू सीन द डीयू जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, हम लोग सब आपस में बैठते हैं, जैसे हमारा मिल इतना सिमिलरिटी अपार्ट फ्रॉम आवर फेस टू सम डिग्री, बहुत कम सिमिलरिटीज़ हैं फूड्स हैबिट में, कल्चर में, वैल्यूज़ में, पर हम लोग साथ रहते हैं, परहैप्स बहुत वहाँ पर फील नॉट threatened but somehow to some degree of threats from, you know, you're not treated as Indians of sort, so meaning we are not so integrated, right? So thanks to people like you that you know who cover us, you know, tell our, you know, exchange and then information, so of course like integration, like binding badi jata hai, so thank you for that. Thank you. हम लोग इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट विलेज तुरतुक में हैं, और इस वक्त हम लोग तुरतुक हॉलीडे रिजॉर्ट पे हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ अनोखा करने वाले हैं। अनोखा क्या है कि आज के दिन हम लोग यहाँ पे लोकल ट्रेडिशनल डिशेस ट्राई नहीं करेंगे, हम कुछ हटके ट्राई करेंगे, जैसे कि ब्रेकफास्ट में इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच में इटालियन लंच होगा, और डिनर में जैपनीज डिनर होगा। ये पूरा अंदर में चॉकलेट है। सो द बेस ऑफ दिस पिज़्ज़ा इज़ मेड अप ऑफ बकवीट फ्लाई। बकवीट फ्लाई, यस। सिर्फ बकवीट है, इसमें कुछ और मिलाते हैं? ओनली बकवीट। वी डोंट डिप द सुशी इनटू सोया सॉस।